हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए फॉगिवनेस के ऊपर। फॉगिवनेस, अब आप सोचेंगे कि फॉगिवनेस तो कई बार सुन चुका है, मैंने भी कई बार ये टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन सॉरी मेरी वॉइस के लिए, अर्ली मॉर्निंग बना रही हूँ और मुझे थोड़ा फीवर भी आजकल रहता है इन दिनों, तो अगर आवाज़ थोड़ी इधर उधर लगे तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फॉरगिवनेस की बात हमने पहले भी कई बार की है, लेकिन स्टिल मुझे फील होता है, जैसे आप लोग मेरे पास आते हो तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत से लोग अभी भी फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आ पाए हैं, पूरी तरह से सरेंडर में नहीं आ पाए हैं। अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो किस चीज़ों को, तो इट मीन्स कि आप अभी तक टोटल सरेंडर में नहीं हो। और सबसे पहली बात हम यही तो सुनते हैं कि जो कुछ भी जर्नी में आपके साथ होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है? तो फॉरगिवनेस के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फॉरगिवनेस कभी भी आप किसी और के लिए, आप सोचते हैं क्यों फॉरगिव करूं, कैसे फॉरगिव करूं, मुझे इतना कुछ बोल दिया, मेरे साथ इतना कुछ कर दिया किसी ने, तो नेवर फॉरगेट कि फॉरगिवनेस जो है वो आप किसी और के लिए नहीं करते हो, फॉरगिवनेस करते हो आप अपनी खुद के पीस के लिए, अपनी खुद की शांति के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे वही चीज़ होनी चाहिए, आपका अपना फॉगिव। आप कभी किसी को किसी और के लिए नहीं करते हो, फॉगिव करके आप अपना भला कर रहे हो, फॉगिव करके आप अपने साथ अच्छा करते हो, क्योंकि उसके बाद आप पीस में आ जाते हो, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर अभी भी आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हुआ, तो इसकी जगह आपके आपको उसमें अपने लिए क्या लेसन था वो देखना चाहिए, ठीक है? ये बहुत एक इजी प्रैक्टिस है, इसको रेगुलर अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लोगों को फॉरगिव करना। कि कभी भी ये मत सोचिए कि कुछ हुआ क्यों, कुछ भी आपके साथ हुआ क्यों, बल्कि किया किसी ने किया क्यों, बल्कि ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसमें आपके लिए लेसन क्या है। एंड जब धीरे धीरे कुछ टाइम आप ये करेंगे तो ये फिर आपके लिए नेचुरली जो आपकी लाइफ में है ये चीज़ आ जाएगी, कि आप सीधा उस चीज़ पे पहुंचेंगे कि बात के पीछे की बात क्या है, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो पर्सन भी। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि चाहे आपके ट्विन हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक्स वाई जेड, वो अगर आपको आपके बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो आप ही को मिरर कर रहे हैं, ऑलरेडी वो चीज़ आपके अंदर है, इसलिए वो आपको कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी कमजोरी बता रहे हैं। सो टेक द लेसन, उसको ठीक करो, उसको आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, मूव ऑन, चलते रहो, मूव करते रहो, स्टक नहीं होके बैठना है किसी बात के ऊपर, किसी एनर्जी के ऊपर, किसी 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 चीज़ को लेके अपनी एनर्जी को स्टक करके नहीं बैठना है, ओके? समटाइम्स हम बहुत सारा टाइम इसी चीज़ के अंदर निकाल देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर आपको मिला क्या, यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेज दिया है, क्या लेसन दिया है, ओके? सो ये बात बोलना बहुत ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि आपको लगता है कि आपने किसी को फॉरगिव कर दिया, लेकिन आपने फॉरगिव नहीं किया है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक बात बता देती हूँ, क्या ऐसा है कि आप दो सिचुएशंस हो सकती हैं, उनको देखिएगा। अगर आप हर वक्त पास्ट की बात करते हो कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, या फिर आप बिल्कुल रिजिस्ट करते हो, आप पास्ट की बात बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, ईजीली नहीं, आप अपने आप को रिजिस्ट करते हो, इट मीन्स कि वो आपके अंदर है। जिस दिन आप उस चीज़ को लेके ईजी हो जाओगे, नेचुरल आ जाओगे, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाहर वो इंसिडेंट आपको फिर से याद आ रहा है, या आप किसी से उसके बारे में हल्का फुल्का किसी ने आपको डिस्कस किया तो आप मूव नहीं हुए उससे। तो रिजिस्ट करना, इट्स, ये अपने आप में भी एक ब्लॉकेज है। अगर आप अपने आप को रिजिस्ट करते हो तो भी आप एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो,
एंड बिलीव मी इट्स अ ह्यूज ब्लॉकेज, ठीक है? क्योंकि अगर आप उस बात को नेचुरल वे में, अगर कहीं से वो बात आपके पास पलट के आ रही है और आप उसने उसको बहुत नेचुरल वे में हैंडल कर लेते हैं बजाय उसको रिजिस्ट करने के, उससे मुंह चुराने के, उससे 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 आँख चुराने के, तो इट मीन्स कि अब आप हील्ड हो। तो ये दो सिचुएशन अगर आप करते हो कि अगर या तो आप पास्ट को बार बार डिस्कस करते हो या फिर आप पास्ट को बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करना चाहते हो, उससे आँख चुराते हो, तभी भी आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। सो कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सिवाय टोटल सरेंडर के। हर सिचुएशन को, हर बात को, हर इंसान को, हर रिश्ते को, हर आसपास की घट रही चीज़ों को बस सरेंडर कर सकते हैं हम, और सरेंडर ही हमें करना है, वही रास्ता है। कोई बेवजह आपको पोक कर रहा है तो आप उसको सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन, देखिए जब हम जवाब नहीं देते तो डिवाइन जवाब देते हैं, ओके? एंड दिस टाइम तो डीएफ्स के लिए स्पेशल बता रही हूँ मैसेज कि बहुत सारा अबंडेंस आपके रास्ते पे है, आने को तैयार है। तो इस टाइम पर बिल्कुल सरेंडर में आ जाइए, फॉरगिवनेस में आ जाइए, सिर्फ पूरी तरह से खुद पे कंसंट्रेट होके सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आ जाइए, सेल्फ डेवलपमेंट में आ जाइए। क्योंकि बहुत सारा अबंडेंस और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा जो है डेवलप, मतलब आपकी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है इस टाइम पे। सो अभी कंप्लीट सरेंडर में आइए, पास्ट की बातों को फॉरगिव कर दीजिए, पास्ट के लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, उन्हें टोटली फॉरगिव कर दीजिए। कल किसी ने पूछा था कि अगर फैमिली मेंबर्स हमारे कार्मिक होते तो हम तो उसका मतलब उनको कभी भी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, अगर पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या पार्टनर हैं तो हम तो उनको कभी भी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप में जो है ये है, बताता है कि अभी आप कार्मिक्स को रिलीज़ करने का मीनिंग समझे ही नहीं हो। कार्मिक्स को रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि कार्मिक्स उठ के कहीं चले जाएंगे, आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। उनका एटीट्यूड, जब आप अपना इनर वर्क इंटेंसली करोगे तो उनका एटीट्यूड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल आपके लिए चेंज होता चला जाएगा। देखो अंदर आपके सब शांत हो जाएगा ना तो बाहर सब शांत हो जाएगा, बस यही एक नियम है, यही एक रूल है। कार्मिक रिलीज़ करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वो पर्सन से आप छूट जाओगे या आपका वो रिश्ता टूट जाएगा या आप उस रिश्ते को तोड़ के निकल जाओ। अगर आप उसको ज़बरदस्ती तोड़ के निकलोगे रिलीज़ करके, आप जो उसको सॉरी रिलीज़ करना समझोगे, ज़बरदस्ती तोड़ के निकल जाओ, तो वो आपका रिलीज़ नहीं हुआ है। क्योंकि जितना उनका लेसन है वो देने के लिए आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह आप अपने प्रोसेस को डिले कर दोगे, क्योंकि हो सकता है 2-5 साल बाद, 10 साल बाद वो किसी ना किसी और चीज़ के साथ आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो लेसन्स जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं ना, उनसे कभी जान नहीं चुराना, कभी उनसे पीछा छुड़ाने का कोशिश नहीं करना। टोटल सरेंडर में आ जाओ हर बात के लिए, आप ये समझ जाओ, खुद को कन्विंस कर लो कि जो भी आपके कार्मिक्स आपके साथ कर रहे हैं वो आप ही का पास्ट कर्म है जो वो आपको रिटर्न कर रहे हैं, और यही सिर्फ शांति में आने का एकमात्र रास्ता है और रिलीज करने का भी। और अगर किसी को ये सब, हम कभी नहीं जान सकते कि किसको हमारी लाइफ से जाना है, किसको हमारी लाइफ में रहना है, ठीक है? तो अगर किसी का जाना बनता भी होगा, अगर उनको आपको आपके लेसन देके आपको लाइफ से जाना है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब धीरे धीरे वो लोग रिमूव हो गए आपकी लाइफ से, हट गए। सो ये सब यूनिवर्स के हाथ में, ये सब प्री प्लान्ड है। और जो लोग आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे वो लोग टर्न हो जाएंगे, बहुत अच्छे सोलमेट्स में बदल जाएंगे, आपकी बात को समझने लग जाएंगे, आपके साथ उनका
बहुत अच्छा वाला रैपो हो जाएगा। ये होता है कर्मास को रिलीज़ करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहले ये मेरा रिश्ता ऐसा था, अब ये कितना स्वीट स्वीट अच्छा हो गया। आपको उनके एटीट्यूड में फ़र्क पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगेन बता देती हूँ कि अगर अंदर सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ शांत होगा, तो बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होने लग जाएगा, सब कुछ शांत होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे एक बात और बता देती हूँ कि स्टैंड लेने के नाम पे भी हम सब बताते हैं आपको, मैंने भी बताया आपको कि स्टैंड तो अपना लेना ही है हमको। ठीक है, तो स्टैंड लेने के नाम पे हर एक से उलझिए भी मत, क्योंकि जितने लोगों से आप उलझते जाओगे, ठीक है, आपकी एनर्जी आपकी पूंजी है, आपका ट्रेजर है। तो क्या आप उसको नहीं चाहोगे कि आपकी सारी एनर्जी को आप सेल्फ डेवलपमेंट में एक ही साइड लगाओ, या फिर उसको थोड़ी थोड़ी जगह पे बांटते चले जाओगे? आपने कोई रकम जमा की है, आपके पास कोई बहुत अच्छा अमाउंट है मनी का, इसको इस एग्जांपल से समझिए। आपने कुछ बहुत अच्छा खुद के लिए घर लेने का प्लान किया हुआ है, कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान किया हुआ है, तो आपका पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए, या आप छोटी छोटी जगहों पे कभी शॉपिंग कर लिया, कभी इधर उधर खर्चा कर लिया, कभी इधर उधर मज़े कर लिए, उसमें आप अपना रकम को स्पेंड करना चाहोगे, या उसको बचा के जो आपका सपना है उसको पूरा करना चाहोगे? सो एनर्जी इज जस्ट लाइक दैट, बहुत बड़ा खजाना है आपकी एनर्जी। हर एक के साथ मत उलझिए, क्योंकि जिससे आप लड़ाई में जाओगे, जिनके साथ आप लड़ते हो, याद रखना उनके लेवल पे आ जाते हो आप। तो जस्ट स्माइल एंड बी साइलेंट। अगर आपके कंडीशन उतनी वर्स्ट नहीं है तो जस्ट स्माइल एंड साइलेंस, दो चीज़ें बना लीजिए। स्माइल आपको हर हर क्लेश से बचा के ले जाती है। एक हाथ से ताली कितना टाइम बजेगी? और अगर आपको, और वैसे भी आपको जितना लेसन उस पर्सन या उस उन लोगों से लेना है, वो तो आपको, चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, उलझ लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको लेना ही पड़ेगा वो वाला लेसन, तो जो आपको उनसे लेना है। तो क्यों ना हम अपने पीस में रह के अपनी एनर्जी को अपने ही डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाएं, ना कि इधर उधर कहीं छोटी छोटी जगहों पे उसको वेस्ट करते फिरें, जहाँ से कुछ आउटकम भी नहीं आने वाला है। क्या कर लोगे किसी से बहस में जीत के? क्या कर लोगे किसी से बहस में जीत के? कोई खुद को सुपीरियर बताना चाह रहा है, उनको बताने दीजिए। क्योंकि हमेशा ये समझिए कि जो सुपीरियर होगा उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसे प्रूव नहीं करना होता, वो प्रूव नहीं करना चाहेंगे कभी भी। क्योंकि पेड़ जितना फलों से लदा होगा उतना ही झुका हुआ होगा। तो बहुत सारे डीएफ्स इस एनर्जी में अभी भी स्टक हैं, पास्ट की एनर्जी में, और बहुत सारा अबंडेंस, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ जो आगे लाइफ में खुशियाँ, प्यार, और आपका इंतजार कर रहा है। तो पास्ट की बातों से निकलिए, लोगों को फॉरगिव करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने चेहरे पे स्माइल रख के, साइलेंस को अपना के, साइलेंस की ताकत बहुत होती है, आगे बढ़िए, आगे, बस आगे देखना है, पीछे देखना ही नहीं है कि हुआ क्या। ओके, और सबसे बड़ी बात, कल भी सब कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि आप ऐसा एटीट्यूड मत रखिए कि किसी को आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए। मैं काउंटर पार्ट की बात कर रही हूँ, उनको ऑलवेज रिस्पेक्ट करिए। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्यों ज़रूरी है लोगों को रिस्पेक्ट करना, क्यों ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं करती हूँ, उस पर स्टक होके मत रहिए, और लोग भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो क्यों हर एक को रिस्पेक्ट, हर रिश्ते को, हर चीज़ को, हर बात को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सो चेक करिए क्या आप कंप्लीट सरेंडर में हैं। ठीक है,
तो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।